अगर मोटर ओवरलोड है तो इन दैट केस उसमें ओवरहीटिंग होगी, तो वो नेचुरल है कि उसमें ये चांसेस बनेंगे कि वो बंद हो जाएगी। एक दूसरा, आपने जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है कुछ ऐसा है कि आपके ट्रैक के ऊपर काफ़ी अच्छी डस्ट वगैरह बन जाती है, तो ऐसे में टाइप ऑफ मोटर जो सिलेक्ट की जा रही है आपकी, वो टाइप ऑफ मोटर का सिलेक्शन कैसा है, उनकी आई पी प्रोटेक्शन कैसी है? अगर वो आई पी प्रोटेक्शन जो है आपके एटमोसफेयर के हिसाब से नहीं है वो आउट, तो जो आपकी इंडोर लोकेशन होते हुए भी आपकी रिक्वायरमेंट आउटडोर लोकेशन के लिए, और यदि मोटर आपकी आउटडोर लोकेशन को सूट नहीं करती है तो आपकी ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, वो रिजॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अंदर जाते हैं, तो वो फॉरेन पार्टिकल्स एज ए कार्बन फ्री होते हैं अंदर, तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो जाते हैं। नहीं सर, हम उसमें कुछ ओवरलोड या एनपीसीवी टाइप कुछ नहीं लगा सकते प्रोटेक्शन के लिए? जैसे सर प्रोटेक्शन के लिए इन जनरल अगर आप देखेंगे तो उसमें कई चीजें लगी होती हैं, जैसे एनपीसीवी के अलावा कुछ नहीं हमारे यहाँ। अगर नहीं है तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा ना मोटर के लिए। सर हम उसमें ओवरलोड लगाते हैं तो वो क्या है, जैसे हमारी जर्क लोड चलती है नीचिंग में स्टार्टिंग में, तो उसी टाइम में ट्रिप हो जाती है। कई चीजें सर ओवरलोड कई चीजें हैं कि मोटर अंडर साइज तो नहीं है, उसका सिलेक्शन जिस एटमॉस्फेयर के लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, आपकी जो प्रोडक्शन उसको देनी चाहिए मोटर को, वो आपने प्रोडक्शन दे रखी है नहीं दे रखी है, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो मोटर जिस जगह पर लगी हुई है उसमें जो अलाइनमेंट चाहिए मशीनरी के साथ सेट होने के लिए, वो प्रॉपर अलाइन है या नहीं है, कोई एडिशनल लोड उसके ऊपर अलग से तो नहीं आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप जिस रेटिंग के लिए क्रेन डिजाइन है उतना ही लोड उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं वो देखने की चीज़ है। जो क्रेन आपने ली है जिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के लिए, वो एम्बिएंट टेम्परेचर वही चाहिए था जो आपने मांगा है या कुछ और है वहाँ पर, अगर उनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं तो भी डिफरेंस आएगा। एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी मोटर जो है वहाँ पे लगी हुई है 40 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर की, और जैसा आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे हॉट मेटल वर्क है, फर्ज कीजिए कि वहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर अराउंड 55 या 60 डिग्री के आसपास बना रहता है, तो इन दैट केस वो जो पर्टिकुलर मोटर है वो तकरीबन 75% मतलब उसकी वैल्यू रह जाएगी, तकरीबन 25% डिलेट हो जाएगी। 0.73 का एक ड्यूरेशन फैक्टर अप्लाई होता है, जिसके बाद वो मोटर की जो रेटिंग आएगी वो लेनी चाहिए, वो ड्यूरेशन फैक्टर वहाँ काउंट किया गया कि नहीं किया गया, अगर ऐसा है तो वो मोटर अंडर साइज हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें चेक करने की है, केवल आप एक कंडीशन बताने से कि ऐसा हो रहा है वो नहीं हो सकता। जैसे बोलते हैं कि मेरे को फीवर है, फीवर है इट्स नॉट दैट ओनली पैरासीटामोल ले ली तो फीवर खत्म हो जाएगा, इट्स नेसेसरी दैट वो फीवर क्या है उसके लिए उसको डायग्नोसिस जो होते हैं वो जरूरी है, वो किए जाए, कंडीशन देखी जाए कि क्या दिक्कत है, उसके बाद उससे जुड़े हुए जो ट्रीटमेंट है वो होते हैं। आपने ब्रेक एडिशनल प्रोवाइड कर दी तो अल्टीमेट मोटर के ऊपर तो लोड आ गया ना, तो वो ओवर हीट होगी, उस पर करंट ज्यादा आ रहा है, ऊपर से आपने प्रेशर नहीं दे रखी तो बंद होना ही होना है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप एडिशनल लोड वहां से उठा रहे हो या ब्रेक के थ्रू आप वहां पर अप्लाई कर रहे हो, एडिशनल लोड आ रहा है आपकी जो 7-8 महीने खत्म हो रही है वो नहीं होनी, बंद हो जाएगी, उसमें ड्राइव में आपको सारी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सिंगल फेज मिल जाएगी, ओवरलोड मिल जाएगी, है ना, वो जो जर्क लोड आ रहे हैं वो सब खत्म, वो तो इसमें मिल जाती सारे, इसमें भी मिल जाती सारी चीजें, वो लॉट सब मिल जाएगी। उसके लिए आपको अलग अलग मीडियम चाहिए, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हम आते ड्राइव वाले में। सुनील, मैं नहीं समझता कि इंडक्शन मोटर डायरेक्ट लगा रखी है, मैं नहीं समझता, या तो ड्राइव होगी या फिर स्लिपिंग मोटर, ये कॉस्मो के थ्रू बेबी है, नहीं 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 रेलवे से, हाँ रेलवे से, रेलवे से, अच्छा अच्छा कहाँ आप, अच्छा उसमें न्यू एलिमेंट तो प्रोटेक्शन लगाओ उसमें दोस्त, अच्छा इंजिंग में आप क्या करते हैं? सर इंजिंग में हम जो हमारा चार्ज होता है उसको निकालते हैं फर्नेस के अंदर से, हीट ट्रीटमेंट में, हीट ट्रीटमेंट में, अच्छा अच्छा, तो उसको निकालते हैं, वहां पर ऑपरेटर नहीं देखता, वो इधर उधर भेड़ी थोड़ा सा दिक्कत आती है, ड्राइव इज द प्रोसेस,
हाँ ड्राइवर वही है, और इसलिए हमने पहले अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर लिया, हम लगा दें उसके बाद दिक्कत आए तो कोई फायदा नहीं होगा ना हमारा सारा। और बताओ।